नमस्कार व्यूअर्स, तो आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हेलो एरिंग की सीरीज़ का पार्ट थर्ड देखेंगे और जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ हेलो एरिंग्स जिसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और एवन फ्लोरोबेंजीन चारों टाइप के जो हेलो एरिंग्स है वो देखेंगे। हाँ, कोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें सबसे मेन हिस्सा जो है वो क्लोरोबेंजीन को लेकर के है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसी का डिस्कस करना है, क्लोरोबेंजीन का ही लेकर डिस्कस करना है, लेकिन हम बात जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की करेंगे वो सबकी कर लेंगे। ठीक है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाते हैं, रिएजेंट हमें बदलना पड़ेगा, आयोडीन लगा सकते हैं, फ्लोरीन लगा सकते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन में ज़्यादातर तरीके से आप फ्लोरीन नहीं बना पाओगे, लेकिन कुछ रिएक्शन है जहाँ से हम फ्लोरीन बना सकते हैं या फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, साइज छोटी, रिएक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, वो बड़ा फ़र्क पड़ता है और डायरेक्ट हम F2 को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि F2 जो है वो विस्फोटक होता है, तो इसलिए डायरेक्टली फ्लोरीन को हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब क्लोरोबेंजीन, इसका थोड़ा सा नॉमेंक्लेचर हम बता दें आपको। बेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन ये ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन और ये बेटा फ्लोरोबेंजीन है ना, सबसे किनारे रख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा यही इसको डिस्कस करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सब देख लेंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें क्या है, बनाने की विधियाँ देखो। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम यही देख रहे हैं, बनाने की विधियाँ, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब जैसे ये चारों जो है किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शन से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, हम एक रिएक्शन, हाँ जनरली नहीं बनते हैं ये चारों, एक साथ नहीं बन पाएंगे, मतलब एक ही कोई रिएजेंट दिया जाए उससे बना दिया जाए आपको परिस्थितियाँ बदलनी पड़ेंगी। एक रिएक्शन है जिससे ये चारों प्रकार के हेलो एरिंग्स बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे और वो है सैंडमायर अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम वही देख रहे हैं बेटा, दिस इज सैंडमायर अभिक्रिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सैंडमायर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिवन दिस रिएक्शन है ना, तो ये सैंडमायर। अब इसमें यूज़ क्या करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर हम जो रिएक्शन की स्टेप्स हैं वो दो तरीके से दो स्टेप में बांट सकते हैं। एक तो डाइजोटाइजेशन है, डाई एजोटीकरण इसको कहते हैं हम। ठीक, डाई एजोटीकरण एक स्टेप है, दूसरा उसके बाद आप क्लोरोबेंजीन लगाना चाहते हो, ब्रोमोबेंजीन लगाना चाहते हो या आयोडीन या फ्लोरीन, क्या बनाना या क्या लगाना चाहते हैं आप, उसके अनुसार आपको रिएजेंट बदलने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो करते क्या है इसमें, हम सबसे पहले पहला स्टेप देखो, हम डाई एजोटीकरण की बात कर रहे हैं तो आप ले लीजिए प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल तथा सांद्र HCl अम्ल से क्रिया कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, अब देखो HCl लिया तो क्लोराइड लिख रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसी को कहा जाता है डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, डाइजोटाइजेशन। ठीक, डाई एजोटीकरण, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाई जोटाइजेशन ये कहा जाता है इसको, इतना ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये जो नाइट्रस अम्ल है ना, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल HNO2, HNO2 जो है वो अस्थायी यौगिक होता है, बनता नहीं है ये, या मतलब लैब में बना हुआ रखा नहीं होता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल रखा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल रखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा होगा, लिक्विड फॉर्म में सब रखे होंगे, लेकिन लैब में कभी भी आपको नाइट्रस अम्ल बना हुआ नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग रिएक्शंस हम बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे, हम लेंगे सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और उसको हम
HCl, और ये लगभग टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, 0 to 5 degrees Celsius, तब जाकर के हमें क्या मिलता है, नाइट्रस अम्ल प्लस NaCl। ये नाइट्रस अम्ल जो बना है ये ड्यूरिंग रिएक्शन यूज़ हो जाएगा, मतलब रिएक्शन के दौरान ही यूज़ भी हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ प्राथमिक एमीन ले रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ हम ले रहे हैं एनिलीन, प्राथमिक एमीन का मतलब हो गया RNH2, ये प्राथमिक एमीन है, मतलब 1 degree amine, ये RNHR 2 degree amine, इसको द्वितीयक एमीन कहेंगे, ये तीनों 3 degree amine, तृतीयक एमीन, और चूंकि लोन पेयर भी होता है तो 4 degree का सॉल्ट भी हो जाता है, अमोनियम सॉल्ट जिसको हम ये बोलेंगे R4N+X-, ऐसा कुछ, तो ये 4 degree का सॉल्ट है। फिलहाल एमीन जो होते हैं वो तीन होते हैं, 1 degree, 2 degree और ये 3 degree, 1 degree, 2 degree और 3 degree, ठीक बेटा। इधर आओ, 1 degree एमीन ले लिया है, ये ले लिया हमने NH2, दिस इज एनिलीन या बेंजेनामीन एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम नाइट्रस अम्ल से, HNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंडीशन यही है, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलता है यहाँ पर ये, दिस इज बेंजीन डाई, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो बेंजीन डाई एजो, नियम, नियम मतलब पॉजिटिव, जब भी ऑर्गेनिक में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको जैसे कार्बोनियम, अमोनियम, हाइड्रोनियम, सल्फोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ऐसे ढेर सारे नाम होते हैं, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, दिस इज द नेम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, समझ गए, 5 टर्म हम तोड़ के बता रहे हैं आपको, बेंजीन डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, नियम मतलब प्लस, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और साथ में मिल गया हमें क्या, वाटर, क्या मिल गया बेटा, वाटर। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग कंपाउंड ऑफ सैंडमायर रिएक्शन, ये स्टार्टिंग कंपाउंड है सैंडमायर रिएक्शंस का। अब आप कहेंगे ये फिर ये क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये भी अस्थाई यौगिक होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लैब में बना के नहीं रखा होगा, आप जब भी इस रिएक्शन को कराओगे तो आपको पहले ये मिलेगा लैब में, ये मिल जाएगा एनिलीन मिल जाएगा लैब में, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमें पहले एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा और उसके बाद आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने एनिलीन ले लिया, नाइट्रस एसिड, HCl, और टेम्परेचर वही 0 to 5 degree Celsius, मिल गया हमें क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, टेम्परेचर कम रखना है तभी ये स्टेबल होगा, अदरवाइज ये भी डिकम्पोज कर जाता है। अब इससे हम बनाएंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, हम अलग अलग परिस्थितियाँ दे रहे हैं जिससे हमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो बेंजीन बनेगा, ठीक बेटा। अब देखो क्या करना है इसमें, इसमें होता ये है कि ये हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक, और इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये है क्यूपरस क्लोराइड ऑब्लिक HCl, अप्रॉक्सीमेटली 60 degree Centigrade का टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ हम दे रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉरी क्यूपरस ब्रोमाइड ऑब्लिक हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हल्का गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। HBr ज़्यादा रिएक्टिव होता है, HCl थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और अगर हम आयोडीन लगाना चाहते हैं तो Ki ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, ये जनरल टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आयोडीन है ना, बड़ी आसानी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन पर क्या लग गया, Cl, ठीक, दिस इज क्लोरोबेंजीन, CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्या बन गया ये, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये पोटेशियम आयोडाइड ऑब्लिक H2O, क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, समझ गए बेटा, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और ये आयोडोबेंजीन, क्लियर। तो मतलब एक रिएजेंट है हमारे पास, एक रिएक्टिंग एजेंट है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको हमने कैसे प्राप्त किया है, डाई एजोटाइजेशन अभिक्रिया से,
डाई एजोटीकरण अभिक्रिया से प्राप्त किया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसको हम क्यूपरस क्लोराइड HCl से रिएक्शन करा रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। देन हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन पोटेशियम क्यूपरस ब्रोमाइड और HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें मिल गया ब्रोमोबेंजीन और पोटेशियम आयोडाइड, और उसके द्वारा हम जल अपघटन करा दिया हमने, तो मिल गया हमें आयोडोबेंजीन। ठीक, अब आप फिर देख रहे होंगे तो फ्लोरोबेंजीन कहाँ चला गया, एक्चुअली फिर प्रॉब्लम है। फ्लोरोबेंजीन के साथ अगर हमें बनाना होगा तो हमें यहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना है पहले से ही। ठीक है, अब वो देखो जरा क्या होता है, कैसे बनाएंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो सबसे पहले आप फिर से ले लीजिए एनिडीन, ठीक, एनिडीन बेटा बेंजीन पर NH2, दिस इज C6H5NH2 बेंजेनामीन, नाइट्रस अम्ल ले लो। अच्छा, अभी डिजिटाइजेशन में क्या कर रहे थे, वहाँ हमने यूज़ किया था नाइट्रस अम्ल के साथ HCl ना, यहाँ यूज़ कर दो ये HBF4, दिस इज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ये टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, इसकी रिएक्शन जब कराओगे आप तो डाइजोनियम साल्ट ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसका होता है BF4-, वहाँ क्या था Cl-, यहाँ क्या है BF4-, तो H+ BF4- में टूटता ना, टेट्राफ्लोरो बोरॉन या टेट्राफ्लोरो बोराइड आयन में टूट जाता है ये, और ये H+, ठीक, तो ये BF4- और ये H+, तो यहाँ मिल गया और हमें वाटर मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको हटाई देते हैं, यहाँ वाटर मिल जाएगा, इसको अलग कर दीजिए। अब ये जो कंपाउंड है इसी को गर्म कर दो, इसी को गर्म कर दो, ठीक है, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये हो गया F, ये हो गया नाइट्रोजन, यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, और एलिमिनेट कर जाएगा क्या BF3 बोरान ट्राई फ्लोराइड, बोरान ट्राई फ्लोराइड ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और आपको क्या मिल गया फ्लोरोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लियर। तो सैंडमायर एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और साथ में फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। हाँ, फ्लोरोबेंजीन में थोड़ा सा हमें रिएजेंट चेंज करना पड़ता है, HCl के बजाय में लेना पड़ता है HBF4, गॉट इट। अब दूसरे मेथड देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, अब दूसरा रिएक्शन गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, ये सैंडमायर के लगभग सैंडमायर जैसा होता है वैसा ही रिएक्शन करानी है, यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट बदला हुआ है, वही रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जो रिएक्टिंग एजेंट है, जो शुरुआती मटेरियल है जैसे ये, वो सेम होता है। अब ये अगर प्राप्त करना है तो यहाँ पर भी वही पहला स्टेप क्या होगा, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण, डाइजोटाइजेशन यहाँ भी होगा, मतलब प्राथमिक एमीन लेंगे या कह सकते हैं एनिडीन लेंगे, नाइट्रस अम्ल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे, सांद्र HCl की उपस्थिति में मिल जाएगा हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो वो स्टेप कॉमन हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये ध्यान रखना बेटा, जहाँ जहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात आए इसका मतलब है कि वहाँ पर ये बना के रखा नहीं हुआ होगा, हमें इसके एक स्टेप पहले मतलब डाई एजोटीकरण करा करके तब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये रिएक्शन दिखानी हो गाटरमान में तो वी कैन स्टार्ट इट, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं और उससे हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। हाँ, सिर्फ दो ही मिलेंगे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ध्यान रखना। कैसे देखो, यहाँ हम यूज़ कर ले रहे हैं, एक हम ये देख ले रहे हैं, तो यहाँ हमने ले लिया CuCl/HCl और यहाँ ले लिया CuBr/HBr, हो गया, समझ गए, दिख रहा होगा कंपाउंड आपको, तो सीधे ये क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस N2 अलग हो गया, और यहाँ बन गया बेटा ब्रोमोबेंजीन और N2 अलग हो गया, क्लियर, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। कुछ और रिएक्शन देखो, अगला बेंजीन के हैलोजनीकरण से, जो हमारा इनिशियल कंपाउंड है बेंजीन उसी को हम ले रहे हैं अब, ठीक है। अब देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है बेटा यहाँ पर, अब देखो क्या है, बेंजीन क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ये गैस है, गैस है, आयरन चूर्ण की उपस्थिति में, आयरन चूर्ण ले लीजिए या
निर्जल AlCl3 ले लो। जी हाँ, ये हैलोजन वाहक होंगे। वास्तव में आयरन चूर्ण लेने से होता ये है कि अगर आप आयरन चूर्ण लेंगे तो क्लोरीन के साथ फिर रिएक्शन कर लेगा और फिर बन जाएगा FeCl3। तो आप चाहे FeCl3 ले लो या AlCl3 भी ले सकते हो। AlCl3 ये सब होते हैं लुईस अम्ल होते हैं। तो मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये बड़ी आसानी से किसी से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन एक्सेप्ट इट, ले सकते हैं ये। तो आयरन चूर्ण की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें बेंजीन पर, लिक्विड फॉर्म में होता है, 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, तो अगर इसको प्रवाहित कर दें क्लोरीन गैस को बेंजीन पर आयरन चूर्ण की उपस्थिति में, तो होता क्या है, यहाँ मिल जाएगा आपको ये बेंजीन और ये हो गया Cl और ये HCl, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये है केस। अब इसी में, इसी रिएक्शन में हम एक दो और दिखा देते हैं। अब मान लो बेंजीन क्रिएशन कराओ Br2 से, रीएजेंट ले लो ये। जैसे यहाँ हमने क्या बोला अभी, आप अगर आयरन चूर्ण और क्लोरीन गैस लेंगे तो आयरन चूर्ण और क्लोरीन गैस आपस में मिल करके FeCl3 बना लेंगे। तो आप चाहे आयरन चूर्ण ले लो या ये खुद ले लो, तो ये वास्तव में क्या है, ये है हैलोजन वाहक, हैलोजन कैरियर। और ये वास्तव में इनका नेचर कैसा होता है, लुईस अम्ल टाइप का। लुईस अम्ल का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, उस कैटेगरी में है ये FeCl3। ठीक है, तो आयरन चूर्ण ले लिया, गर्म कर दिया, या आयरन चूर्ण की जगह पर हमने ये ले लिया एज इट इज़, तब भी वही मैकेनिज्म आएगी, मैकेनिज्म वही फॉलो होगी। तो बेंजीन पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करा रहे हैं, आयरन चूर्ण की उपस्थिति में क्या मिल रहा है हमें, क्लोरोबेंजीन HCl मिल गया। यहाँ पर जो FeCl3 है, इट एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर और वी कैन से लुईस एसिड। ठीक है, इसी FeCl3 की जगह हम ले लें FeBr3, फेरिक क्लोराइड, यहाँ फेरिक ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिक ब्रोमाइड, ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और प्लस HBr। एक और देख लो, इसी में एक और देख लो, बेंजीन आयोडीन ले रहे हैं। अब यहाँ हमें लेना पड़ेगा प्रबल ऑक्सीकारक, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्या, सांद्र HNO3, कंसनट्रेट HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ मिल जाएगा हमें आयोडोबेंजीन, जी हाँ आयोडोबेंजीन HI। एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने लगती है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड जो HI जो बनता है उसी को रिमूव कर देता है, तो HI को जब रिमूव कर देगा तो क्या मिल जाएगा हमें, आयोडोबेंजीन। तो दिस इज आयोडोबेंजीन, कुछ समझ में आई बात, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और ये आयोडोबेंजीन। हाँ, अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि इस रिएक्शन के द्वारा आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ आपको F2 लेना पड़ेगा, और हम पहले ही बता चुके हैं F2 का डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, सेफ नहीं होता। अगला देखो, इसके अलावा हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लोरोबेंजोइक अम्ल के वी कार्बोक्सिलीकरण से इससे बना सकते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या हो गया, वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब हो गया CO2 का या COOH का एलिमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर जाए, बाहर निकल जाए, या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, COOH ग्रुप होता है ना बेटा, ये यहाँ से ये पूरा हट जाए या ये हट जाए, तो वो घटना भी क्या कहलाती है, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी का मतलब विहीन, निष्काशन बोलते हैं इसको, निकल जाइए, तो वी कार्बोक्सिलीकरण। तो हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड, कंपाउंड देखो, ये है क्लोरोबेंजोइक एसिड, दिस इज Cl और ये है COOH। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये तो अब NaOH प्लस CaO क्या कहलाता है, मालूम होगा आपको, NaOH प्लस CaO क्या कहलाता है बेटा, NaOH प्लस CaO क्या कहलाता है, सोडा लाइम। क्या कहलाता है, सोडा लाइम।
ध्यान रखिएगा। एनीवे द मिक्सचर ऑफ बोथ इज नोन एज सोडा लाइम। एक्चुअली रिएक्शन करता है हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो डेलिकेशन प्रॉपर्टी है, प्रस्वेद गुण होता है, जो गीला हो जाने का जो गुण है NaOH का, उसको ये कम कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसको नमी से बचाता है, सीधे सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो रिएक्शन हमेशा सोडा लाइम में NaOH ही करेगा, रिएक्शन सोडा लाइम में हमेशा NaOH ही करेगा। हाँ, अगर आपको CaO से कराना है तो अलग से करा लीजिए, अलग से आप कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम से करा सकते हैं रिएक्शन। लेकिन अगर आप सोडा लाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें NaOH ही यूज़फुल होगा रिएक्टिंग एजेंट के रूप में, ठीक। तो NaOH सोडा लाइम। अब होगा क्या यहाँ पर, अब देखो जरा, तो ये हो गया सोडियम डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन का, है ना। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, तो एक क्लोरोबेंजोइक एसिड, दिस इज क्लोरोबेंजोइक एसिड, ये हो गया आर्थो क्लोरो नंबर एक, नंबर दो, दो वाला आर्थो, वन टू आर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक। सोडा लाइम से रिएक्शन करा दिया हमने और क्या मिल गया हमें, सोडियम डेरिवेटिव मिल गया है। अब इसी को गर्म कर दो, उसी कंडीशन में गर्म कर दो, कुछ करना नहीं है आपको। ये वैसे मिलेगा भी नहीं आपको, मिलेगा ये प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, देखो क्लोरो और ये हो गया Na2CO3। हम दिखा देते हैं कैसे हुआ यहाँ पर, देखो NaOH था और CaO, वो तो है ही कंडीशन में, वही रिएजेंट है, वही सिचुएशन है यहाँ पर भी। अब हुआ क्या है, ये देखो Na2, दो सोडियम एक कार्बन, एक दो तीन ऑक्सीजन, तो Na2CO3 ये अलग हो गया, ये वाला H यहाँ आ गया, ठीक है। तो दिस इज क्लोरो, दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्या है बेटा ये क्लोरोबेंजीन, को समझ में आई बात, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो ये था एक क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजोइक एसिड के वी कार्बोक्सिलीकरण से, तो क्योंकि CO2 निकल गया यहाँ पर, सोडियम कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में CO2 निकल गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना और अल्टीमेटली किस रूप में निकला, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, तो क्या मिल गया हमें क्लोरोबेंजीन। अब इसका अगला हिस्सा देखो, फिनॉल की PCl5 से क्रिया द्वारा, अब हम ये दिखा रहे हैं फिनॉल की PCl5 से क्रिया द्वारा, ये रिएक्शन बहुत यूज़फुल नहीं है और उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ हमें क्लोरोबेंजीन का मुख्य उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। रिएक्शन देखो पहले, ये है फिनॉल और इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं, अब हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा, बेंजीन पर OH तो हो गया फिनॉल, PCl5 से अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा C6H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या कहते हैं इसको फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो फॉस्फोरिल क्लोराइड कहो चाहे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहो, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन HCl। लेकिन अब होता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो POCl3 बना है ना, POCl3, ये फिनॉल के दूसरे अणुओं के साथ फिर क्रिया कर लेता है, ये POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड फिनॉल के दूसरे अणुओं के साथ फिर क्रिया कर लेता है। जरा देखो कैसे, ये हो गया C6H5OH और ये है POCl3, ठीक। तो एक POCl3 जो है फिनॉल के तीन अणुओं के साथ क्रिया कर लेता है और तीन क्लोरीन, तीन एच, तीन फिनॉल लिया ना हमने, तो यहाँ से हमें तीन एच मिलेगा, तीन क्लोरीन, तो HCl निकल गया, थ्री टाइम HCl निकल गया। अभी जो PO है, PO, अच्छा यहाँ पर ये वाला हिस्सा कितनी बार आएगा, C6H5O तीन बार आएगा ना, C6H5O तीन बार आएगा, तो मतलब ये मिल गया हमें C6H5O थ्री टाइम्स और ये हो गया PO। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये तो है, हम ऐसे इसको लिख रहे हैं C6H5 का होल थ्राइस, दिस इज PO4 है, क्या ये है ट्राई फेनिल फॉस्फेट, क्या है ये ट्राई फेनिल फॉस्फेट, दिस इज ट्राई फेनिल फॉस्फेट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ट्राई फेनिल फॉस्फेट एक्सेप्ट देन क्लोरोबेंजीन।
रिएक्शन दिखाया तो है, क्लोरोबेंजीन बन गया एज इट इज़, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ्रूटफुल रिएक्शन नहीं है क्योंकि मुख्य उत्पाद के रूप में ये नहीं होता, मुख्य उत्पाद के रूप में ये होता है बेटा ट्राई फेनिल फॉस्फेट जो है, ट्राई फेनिल फॉस्फेट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। क्लियर। अब एक रिएक्शन और देख लो इसका, तो ये लास्ट मेथड है रासिक प्रोसेस, रासिक प्रक्रम, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। तो रासिक प्रक्रम, रासिक इज द नेम, होता क्या है, बेंजीन वाष्प ले लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लीजिए और वायु ऑक्सीजन, इसका मिश्रण अगर आप क्यूप्रिक ऑक्साइड पर या कॉपर आयरन चूर्ण पर जो रेड हॉट हो, गर्म किए गए हों, तप्त हो, उस पर अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवाहित करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है एज अ मेन प्रोडक्ट। होगा क्या रिएक्शंस में, ये है C6H6, बेंजीन की वाष्प हो गया, HCl गैस हो गया और ये O2 गैस, इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर रहे हैं, लगभग टेम्परेचर रख रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। दो दो दो, तो ये मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक बेटा, इसको 5 कर दो, 4, 5, 6, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बेंजीन, बेंजीन का वेपर है ये, HCl गैस, ऑक्सीजन गैस, इसको हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर आयरन उत्प्रेरक प्रोवाइड किया 200 डिग्री सेल्सियस, तो मिल गया हमें क्लोरोबेंजीन एज अ मेन प्रोडक्ट, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लियर। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, और उसी के साथ हमने दूसरे जो हेलो बेंजीन्स हैं, ब्रोमो, आयडो और फ्लोरो, एक रिएक्शन बता चुके हैं हम सैंड मायर में, जहाँ से हम बना सकते हैं इन सारे हेलोएरिन्स को, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।